there are two tricks. There are two tricks in movement of inertia. There are two tricks in movement of inertia. Trick one. के थ्रू समझेंगे ट्रिक. उसने कहा, क्वेश्चन वाले ने कहा, ये डिस्क है, लेकिन ये कैसी डिस्क है गाइस? हो, ये कैसी डिस्क है गाइस? 1/4 क्वार्टर डिस्क है, और इसका रेडियस आर है, और इस डिस्क का मास एम है. हाँ, और इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है. मैंने कहा क्या करें क्या करें? मैंने कहा लेट दैट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बी आई, लेट दैट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बी आई. फिर मैंने कहा अब पूरी डिस्क बना दो, इसका मास भी एम है, इसका मास भी एम है, इसका मास भी एम है, इसका मास भी एम है. तो क्या मैं कह सकता हूं इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अगर अबाउट अगर आई है तो इसका भी कितना होगा आई, इसका भी कितना होगा आई, इसका भी कितना होगा आई. तो क्या मैं कह सकता हूं नेट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 4i. दैट शुड बी इक्वल टू, अब पूरे डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट कितना होता था mr स्क्वायर बाय 2. तो यहां पर m की जगह क्या लिखोगे? 4m r स्क्वायर बाय 2. हाँ या ना? सो 4i इज 4m r स्क्वायर बाय 2, तो i इज mr स्क्वायर बाय 2. That means it remains same. That's what he said. Same. तो भी सेम रहता, क्योंकि वो सेम ही रेशियो में रहता मास. मास डिफरेंट होते ही हो जाएगा. हाँ, मास इसका फिर m रखना है. इसका मास m रखेंगे अगर. यूनिफॉर्म मास. हाँ, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन और मास m बोल दिया इसका. मतलब अब तुम ये देखो ना कि ये किसी भी जगह पे लग जाएगा, पता है? मैं बताऊं इसमें गलती कैसे करोगे. चलो गलती नहीं, पहले तो आसान सा देखो. ये सॉलिड हेमिस्फीयर है. ये क्या है? सॉलिड हेमिस्फीयर है. ऐसे सॉलिड हेमिस्फीयर है. इसका मास m है, इसका रेडियस r है. ये कह रहा है इस एक्सिस के अबाउट, किस एक्सिस के अबाउट? इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है इसका? मैं ये कहूंगा लेट दैट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बी आई. फिर मैं कहूंगा कि एक काम करो, इसको पूरा स्फीयर बना दो. इस पूरे का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मास भी एम होगा, तो फिर इसका मास भी एम होगा. इस पूरे का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा? 2/5 एम आर स्क्वायर. That is 2/5 of 2mr square. अब इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई माना था, तो मैंने इसका भी आई मानूंगा. क्या मैं कह सकता हूं 2i is 2/5 of 2mr square. 2 कट गया, तो i कितना आ गया? 2/5 mr square. मैं बताऊं तुम गलती कैसे करोगे. इसने सॉलिड हेमिस्फीयर लिया, इसने सॉलिड हेमिस्फीयर लिया, और उसका इस एक्सिस के अबाउट पूछ लिया. सॉलिड हेमिस्फीयर लिया, उसका इसका मास m है, ये रेडियस r है, उसका इस एक्सिस के अबाउट पूछा है, रेड वाली एक्सिस के अबाउट पूछा है. अब क्या करें? सेवन बाय फाइव. इस इतने पार्ट का, नहीं इतने पार्ट का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट तो था 2/5 एम आर स्क्वायर. हाँ या ना? ये किस फंडे से लगाया मैंने? अपना ही एक फंडा बनाया मैंने, कहा कि ओके इसका आई है, तो इसका आई है, तो इसका भी आई है. 2i हो जाएगा 2/5 ऑफ 2 एम आर स्क्वायर, तो फिर 2/5 एम आर स्क्वायर हो गया. अब तुम ये कहोगे इस एक्सिस के अबाउट 2/5 एम आर स्क्वायर हमें पता है. अब बच्चों के दिमाग में आएगा यहां पर हम लगा दें
पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्यों नहीं लगेगी बताओ? सो उससे क्या होगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कब लगती थी? कब लगती थी? व्हेन वन एक्सिस पासेस थ्रू सेंटर ऑफ मास. इसका सेंटर, इस हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास ये नहीं है, इसका इसका हेमिस्फीयर है सॉलिड है. इसका सेंटर ऑफ मास होता था 3R/8, यहां पे होता था. कितना होता था? 3R/8. तो इस वाली एक्स, ये सेंटर ऑफ मास है. तो अब डू यू रिमेंबर पैरेलल एक्सिस थ्योरम में मैंने एक फंडा बताया था स्टार्टिंग में, D1 D2 वाला. अब इस एक्सिस के अबाउट निकालो पहले, ग्रीन वाले के अबाउट क्या कहोगे? ICM प्लस M 3R/8 का होल स्क्वायर इज 2/5 MR2. इससे निकलेगा ICM, इससे निकलेगा ICM. फिर ये वाला डिस्टेंस निकालो, ये हो जाएगा R माइनस 3R/8, दैट इज 5R/8. मैंने कहा ICM प्लस MD2 इज 2/5 MR2. इससे ICM निकाल दिया. और फिर इस वाली रेड वाली एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? क्या मैं कह सकता हूं ये हो जाएगा 2/5 MR2 माइनस M 3R/8 का स्क्वायर. ये हो गया ICM प्लस M 5R/8 का स्क्वायर. ये हो गया हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट रेड एक्सिस. ये वाली एक्सिस